क्या आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा अवसर। गढ़वा जिले के मेराल और रमना प्रखंड के लिए रिपोर्टर की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बिशनपुरा प्रखंड के सोंडीहा गांव स्थित किसानों की महत्वाकांक्षी योजना बांकी नदी पर बन रही बाई बांकी सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार में पक्कीकरण बाई नहर के निर्माण में घोर अमितता बढ़ती जा रही है। यह बाई नहर का निर्माण देवघर की कंपनी एम लॉट्स कंपनी द्वारा कराई जा रही है। 150 करोड़ की लागत से किया जा रहा इस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितता बढ़ती जा रही है। यह नहर पक्कीकरण सोंडीहा गांव से कुचैया संध्या बरडीहा प्रखंड के जतरो बंजारी सेमरी आदर सहित विभिन्न गांव से होते हुए लगभग 17 किलोमीटर की लंबाई में बन रही है। इस नहर के पक्कीकरण निर्माण में प्राकलन के हिसाब से निर्माण कार्य नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण पक्कीकरण बाई नहर में जगह जगह ढलाई टूट जा रहा है। सिंचाई विभाग की मिली भगत से कंपनी के संवेदक द्वारा बेधड़क पक्कीकरण बाई नहर निर्माण में घटिया सीमेंट गिट्टी घटिया मिट्टी के अंश बालू एवं ढलाई 3 इंच की जा रही है। कहीं कहीं तो मिट्टी पर ही ढलाई कराई जा रही है। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से नहर के पुराने जर्जर छोटे बड़े पुल पुलिया को प्लास्टर चिपका कर कंपनी द्वारा पुराने पुल पुलिया को ही नया रूप दे दिया जा रहा है। किसान शिव कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले के अनुसार नहर की उड़ाही एवं पक्कीकरण नहीं किया जा रहा है। पहले खेतों में पानी नहर का आसानी से खेत की पटवन हो जाता था, लेकिन अभी कंपनी द्वारा बहुत ही गहराई में पक्कीकरण नहर का काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसानों को खेत में पटवन करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण बनारसी आजाद ने बताया कि बाई नहर निर्माण में कंपनी के संवेदक द्वारा घटिया कार्य करने पर हम सभी लगभग सैकड़ों किसानों ने उपायुक्त के पास आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सिंचाई विभाग के जेई एवं स्कूटिव को भी कई बार जानकारी दिया, लेकिन किसी ने घटिया नहर निर्माण को लेकर सुधि नहीं लिया, जिसके कारण संवेदक का भी मनोबल बढ़ गया है और नहर निर्माण में बेधड़क घटिया कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी नहर निर्माण में पैसे का प्रलोभन देकर नाबालिग बच्चों से भी कार्य कराया जाता रहा है। इसके कारण बच्चों का भी भविष्य से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि विभाग के जेई जितेंद्र पांडे आज तक कार्यस्थल पर देखे गए, इनसे संपर्क करने का कोशिश किया गया पर उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर मुंशी उपेंद्र गोप ने कहा कि हम सब 4 इंच ढलाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा जो काम कर रहा है वो सब यहीं के लोगों को चाल है, हमें इसी बहाने परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।